हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है मंडे, मंडे को मॉम का बर्थडे, तो मैंने लिए छुट्टी और हमारा दिन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अभी ऑन बना रही है, क्या बना रहे हैं मॉम, क्या बताते हैं यार? मटन एंड फ्राइड राइस, मोती फ्राइड राइस। मोती फ्राइड राइस एंड मटन बन रहा है, ठीक है। मैं सारा रॉ मटेरियल लेके आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे घर मेहमान आए वो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे अंबानी का चल रहा है, तीन पत्ती में अंबानी कर रहा है एंजॉय। यहाँ पे कभी जीत रहा है कभी हारा, बैठे रखा है 800 रुपीज जीत भी गया वो बैठे बैठे 10-15 मिनट के अंदर। मैं तो जा रहा हूँ किचन में। देखो, लहसुन अदरक कलर के लिए, बीटरूट एंड अनियन, एंड इसमें कुछ ग्राइंड कर रहा है मोहन, ठीक है। तो मैं और कुछ मिर्च भी है इस पे, और मैसी सा वर्क है किचन भी, क्योंकि अभी चीज़ें चल रही हैं, फटाफट में काम कर रहे हैं। डेस्टिनेशन शुरू हो गई है, बीटरूट अदरक लहसुन, क्योंकि ये कलर है, हल्दी है और दही है और नमक है और सरसों का तेल, दैट्स इट। मैं मिक्स कर ले रहा हूँ। तो ये रहा मैरिनेशन का स्टफ, मटन मैरिनेट हो रहा है। अगले 5 से 10 मिनट और छोड़ देंगे, 20 मिनट हो गए इसको। फ्राइड राइस के चावल मैंने भिगा दिए हैं, इनको भी ऑलमोस्ट हो गया है आधा घंटा, मैं तब तक जवे खा लेता हूँ, तब तक बनने में टाइम है अभी बहुत। पानी गर्म हो चुका है मेरा, हम अपने जो बिरयानी वाला राइस है चढ़ा दे रही है फटाफट। 3 तेज पत्ते लौंग डाल दिए हैं, इलायची डाल दी है कूट के, 1 चम्मच डाल दिया है इसमें रिफाइंड ऑयल, ताकि खिले खिले चावल निकले। कर देंगे उसके बाद छोड़ देंगे इसे, 12 बजे टूट जा रहे हैं। आज ये तीनों चूल्हे काम आएगा, इस पहली बार मामू ने तीनों चूल्हे यूज करे। मटन की प्रेप शुरू हो गई है, मटन में बहुत सारी चर्बी लेके आया हूँ और है भी 1 किलो, तो तेल डिसेंटली डालना होगा, ना कम ना ज़्यादा। प्याज मैं भून रहा हूँ, बिरयानी खुद ब खुद पक रही है, मामून गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट भून रही है जिसमें काजू एंड किशमिश। ठीक है, थोड़ा खून बढ़ा देते हैं, जो भाभी हमारे का खून पीती है इसकी रिकवरी यहाँ कर देते हैं। और साथ में दिखाता हूँ आपको जो मिक्स वेजीज रहेंगे ना मोदी फ्राइड राइस में, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम एंड मटर, ठीक है। और हमारे ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो गए तुरंत। जितना खून पिया मानी मैंने सारा खून वापस करा दिया, खून तो बहुत पी लिया भाई, हम पीएंगे खून। मेरे चावल पक चुके हैं, इसके ठीक है नीचे रखें थोड़ी देर, खिले खिले और अच्छे सूख जाए, स्टिकीनेस पूरी खत्म हो जाए और फ्राइड राइस बनने के लिए रेडी हो जाए चावल खिला। चलो मटन भी चला गया, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। गाजर की फ्राई हो रही है, भाई राइस की कोटिंग शुरू होगी, राइस की कोटिंग, इसमें पूरे बर्तन को हल्के हल्के तेल से पूरा। चलो लेयरिंग शुरू कर देते हैं। जायफल, जावित्री, पागल हो गया हूँ, ज़्यादा देखो मैं, जायफल और जावित्री क्रश करके और ग्रेट करके डाल दिए हमने, दैट्स इट। घी तो बहुत डाल दिया, थोड़ा ही बहुत। ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, आई होप खाने में इतना टेस्टी रहता दिख रहा है। हीट कर रहे हैं इसको, तो डायरेक्ट हीट करने से दिक्कत होगी, तो फिर तवे में हीट कर रहे हैं। दम चल रहा है, खीर के लिए कितना 1.5 लीटर दूध है, तो बन रही खीर, तो बन रहा है मटन। तो अब मास्टर शेफ चेक कर रहे हैं नमक और चीनी कैसी है। जी स्पून में हमारे को टेस्ट करा जाता हूँ, आ जा एक ड्राई फ्रूट, आ जा फटाफट। भाई इसको टेस्ट करके बता कैसा बना, मौज कर दी मौज। नमक और वो पूछना है भाई, वो नहीं है, इट्स नॉट कुछ। नमक कैसा है, ठीक है पक्का? खीर के लिए स्पेशल चावल यूज होता है जिसमें बहुत सी फ्रेग्रेंस रहती है, ये गोविंद भोग चावल, बहुत छोटा होता है बट बहुत फ्रेग्रेंस। इसमें हमने जो भोग इसको सुखा लिया था, नाव घी से इसकी ग्रीसिंग कर ली है। दूध उबल गया, मैं डाला हूँ चावल, देखो चावल कैसे जा रहा है, टीम में लगता ना, देखो मैं उनका मसल टाइट है, बिल्कुल मसल देगी मैं उन मसल, ये देखो उनका ट्राई से, क्या बात है। प्लेटें सजने लगी हैं,
देखो दम देने के बाद और फ्लेवरफुल हो गया राइस, सब कलर का ना ऑरेंज ऑरेंज हो गया। और कढ़ाई में बन चुका है मटन, आज सब कलर ही अलग है, रोगन ही अलग है, बहुत सही पका हुआ है। तो अम्बानी भाई साहब आ गए सरोजनी मंडे, मंडे के दिन भी यही भीड़ है भैया। फर्स्ट टाइम अम्बानी आने के बाद अम्बानी को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेले में आया हूँ मैं। हाथ ही वीडियो डाल करने जाएगा, मैंने तो इसको बोला ये ब्लैक वाले ट्राई कर, बट इसको ये वाइट वाली पसंद आ रही है जो मैडम ने पकड़ी, अच्छी नहीं लग रही, हमारे को मजा नहीं आया। अंदर फंस गया है, रोड पे लगाया था सामान, तो पुलिस वाले आए बंद कर दिया, तो इन्हें सामान ठूस दिया यहाँ पे। हमारे बैठा बड़ा अंदर, अंदर ही चाट रहा सामान, तो पसंद आएगा अंदर ही ले लेगा। जो खिला रहे सरोजनी के फेमस मोमोज, स्टीम चिकन मोमोज, फेमस भी नहीं है रख दिया किसी की बाइक के ऊपर मोमोज, अंबानी ने स्टार्ट भी कर दिया। भाई बता कैसा है, स्टीमिंग हॉट भाई, नॉट बैड, नॉट बैड, ओके नॉट बैड का आ गया रिव्यू, नॉट बैड। चीज़ मिस की है जो कि है वो लॉन्ग जैकेट्स, हुडीज ठंड में बहुत काम आती है, वही नहीं मिली अंबानी को, रेस्ट में सब मिल गया। जो कि हम भस्मा को देखे आए थे, हाँ भस्मा को देखे, पता है वो लगा खाले भाई, खाले यार, खाले खाले। मुझे नहीं रहा, देखो पूरी सरोजनी से सारा सामान भर के लास्ट में झोला भी चिपका दिया इसने। झोला लेके घूम रहा है अभी। मैंने इतनी शॉपिंग कर ली है भैया, दो दो जैकेट तो इसने यहीं से खरीद ली है भाई, लड़के ने पता नहीं कितनी जैकेट लेके जाएगा, ऐसा लग रहा है इनके यहीं पड़ रही है बर्फ। शॉपिंग डन थ्रू आउट द डे, हमारा झोला भर गया है, अंबानी को एक चीज नहीं मिला, लॉन्ग जैकेट रेस्ट सारी चीजें मिल गई है। भस्मा वाली चीज अम्मा के दिल में रह गई है, अम्बानी का तो नेक बैंड भी शुरू हो गया है, अब मुझे लगेगी ठंड आके, चलो चलते हैं। लेकिन भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लाइट कमी है तो कोई दिक्कत नहीं। इस पार्किंग वाले ने अम्बानी को 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि वो बोलता है कि आर्मी वालों को हम रिस्पेक्ट करते हैं और कम पैसे लेते हैं।